गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर फोर्थ एंड दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ MS विंडोज 7. विंडोज 7 इज अ पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज अ पार्ट ऑफ विंडो एनटी फैमिली एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज फॉलो अप टू द विंडो विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज़ यूज टू पर्सनल कंप्यूटर इंक्लूडिंग द होम बिजनेस एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप एक्सेट्रा. विंडो 7 को पर्सनल यूज़ करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस डेस्कटॉप और लैपटॉप के यूज़ के लिए बनाया गया था. एडिशन ऑफ विंडो 7. विंडो 7 6 डिफरेंट वर्जन्स में है, दैट इज़ होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, अल्टीमेट. नाउ वी आर Exploring Windows 7 and that is system properties. Let's get started with the learning about the start menu of desktop. The Windows started menu in where we find the access of all program. हम start button को दबाते हैं, हमारे जितने भी program हैं वो हमें दिख जाते हैं. The left hand column is a list of recently used program and will change as you use your computer. आप जैसे जैसे आपके कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वैसे ही हम उस कॉलम की लिस्ट को देखेंगे तो हमें मिलेगा. द राइट हैंड कॉलम इज़ वेयर यू विल सी द स्टैंडर्ड मेन्यू इंक्लूडेड द कंट्रोल पैनल, डिवाइस, प्रिंटर मैनेजर एंड हेल्प. अगर आप राइट कॉलम पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल, डिवाइस एंड प्रिंटर मैनेजर फॉर हेल्प. बिलो द राइट हैंड कॉलम स्टार्ट मेन्यू ऑप्शन एंड शट डाउन बटन, और उसके नीचे आपको शट डाउन बटन मिलेगा. क्लिकिंग द बटन विथ शट डाउन कंप्यूटर प्रॉपरली एंड इट वुड हेल्प मोर ऑप्शन क्लिकिंग एरो ऑन द बटन टू गेट द लिस्ट ऑफ ऑप्शन. और अगर आप उस और एरो को क्लिक करेंगे शट डाउन बटन के पास जो है तो आपको और ऑप्शन दिखाएगी. स्विच यूजर, दिस विल हैव टू करंट यूजर लॉग्ड इन टू द कंप्यूटर एंड ब्रिंग यू बैक इन द साइट. स्विच यूज़र क्या होता है? आप स्विच यूज़र वो होता है कि एक बार बंद हो जाता है कंप्यूटर, अगर हम स्विच यूज़र पर क्लिक करते हैं तो हम वापस उसी प्रोग्राम पे आ जाते हैं या उसी पेज पे आ जाते हैं जिन पे हम वर्क कर रहे होते हैं. लॉग ऑफ, दिस विल लॉग द यूज़र ऑफ यूजिंग क्लोजिंग ऑल प्रोग्राम्स एंड रिटर्न टू योर साइन इन मेनू. लॉग ऑफ वो होता है, वो सारे प्रोग्राम को क्लोज कर देता है और हम जब ऑन करते हैं तो हमें नया मेन्यू मिलता है. लॉक, दिस विल लॉक कंप्यूटर सो द पासवर्ड विल हैव टू बी एंटर्ड बिफोर. और लॉक वो होता है जो कंप्यूटर को लॉक कर देता है और उसको ऑन करने के लिए हमें पासवर्ड की ज़रूरत होती है. फन फीचर ऑफ विंडो ऑन डेस्कटॉप, फन फीचर क्या होते हैं? चेंजिंग द साइज ऑफ आइकन, हम आइकन की साइज चेंज कर सकते हैं. सॉर्टिंग आइकन, अनदर डेस्कटॉप टूल इज मेनू एंड सॉर्टेड बाय. राइट क्लिक अगेन एनी वेयर ऑफ डेस्कटॉप एंड पुट योर माउस ओवर सॉर्टेड टू मेक सब मेन्यू अपीयर. द सॉर्ट ऑफ ऑप्शन विल सॉर्ट योर आइकन नेम, साइज, आइटम टाइप और डाटा मोडिफिकेशन. द नेम ऑप्शन विल अल्फाबेटिकलाइज द आइकन. आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो चेंजेस है वो कर सकते हैं. आप अगर आपके मेनू को चाहते हैं कि वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड हो तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं. द आइटम टाइप ऑप्शन विल ग्रुप ऑल एक्सेल आइकन, PDF फाइल्स एंड फोल्डर एक्सेट्रा. और ये सारी PDF फाइल और एक्सेल शीट्स को भी आपके लिए अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा. द डाटा मॉडिफाई ऑप्शन विल ऑर्गेनाइज द अकॉर्डिंग टू द डाटा दैट वी आर प्लेस्ड ऑन अ डेस्कटॉप. और डाटा के अकॉर्डिंग भी ये सेटअप कर सकता है. क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्टिंग न्यू विल ब्रिंग अप अ सब मेनू विच ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. अगर राइट क्लिक करेंगे तो एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन आएगा. इफ यू सिलेक्ट फोल्डर एंड न्यू फोल्डर विल बी प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप. अगर आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर डेस्कटॉप पे आ जाएगा. यू कैन ऑल्सो चेंज द नेम ऑफ द फोल्डर, और आप फोल्डर का नेम भी चेंज कर सकते हैं. सो दैट इज़ द विंडोज 7 2013 विंडो 7 ओनली.